श्रीमती बादल जी। शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो मैं इस चीज का दुख प्रकट करना चाहती हूँ कि इस सेशन को चलाने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की आने की जरूरत हुई। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये हाल हो गया है कि इस सदन में कोई चर्चा ही नहीं होती। अब नो कॉन्फिडेंस ऐसी मोशंस को लाके मणिपुर की चर्चा करके आज हाउस काम कर रहा है, और यही कारण है कि 16वीं लोकसभा के इस सरकार के पिछले 9 सालों में 16वीं लोकसभा में सबसे कम सिटिंग्स हुई थी, और ये वाली तो 1957 के बाद मुझे लगता है सबसे कम होगी। तो इसका बड़ी दुख की बात है सर। सर द एजेंडा टुडे आई वुड से इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वोट्स, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस। ये सिर्फ एक सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन की बात तो है ही नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो इनके पास है। सो द मोशन विल फॉल। आई थिंक द की वर्ड हियर इज कॉन्फिडेंस। क्या इस देश में सबका साथ और सबका विश्वास इनके साथ है कि नहीं? किसके साथ है? इनके साथ कि इनके साथ? हकीकत यह है कि आज क्या इस देश के किसान, इस केस के गरीब, इस देश के मजदूर, इस देश के माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, क्या इन सबका विश्वास इनके पास है कि नहीं? इट इज डू दे हैव द कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट? सर क्या आज के नौजवान और आज के महिला का विश्वास है इस सरकार के ऊपर? और जो मणिपुर की बात करें तो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि मणिपुर की औरतों पे इस डबल इंजन सरकार पे कोई विश्वास नहीं है। लेकिन इससे बड़ी दुख की बात यह है सर, मैं कोट करती हूँ। सर कैमरा छोड़िए, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर दिए, बहुत बड़ी बात है, यह डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? अब तो कैमरा भी ऊपर से चलता है। सर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस इस पार्लियामेंट में कहा था, इट इज अभिशाप टू टेक बर्थ एज अ गर्ल इन दिस कंट्री। सर कितनी दुख की बात है कि आज अमृत काल चल रहा है, 75 साल हो गया, और आज भी हम वही अट्रोसिटीज को डिस्कस कर रहे हैं जो उस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट हैपेंड इन मणिपुर इज टोटली शेमफुल, एंड इट इज एक ह्यूमैनिटी के ऊपर एक कलंक है, और उसकी जितनी सख्त निंदा करी जाए वही कम है। मैं पूछना चाहूंगी कि इस सरकार की माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रही है? ये बोले नहीं, गए नहीं। माइनॉरिटी कमीशन के हेड क्या कर रहे हैं? कितनी बारी मणिपुर गए, कितनी बारी नू गए हैं? हमारे पंजाब के तो हमारे धार्मिक मसलों में इंटरफेयर करने का पूरा टाइम है, इधर जाने के लिए टाइम क्यों नहीं है? तो मैं हाथ जोड़ के सरकार को विनती करती हूँ कि राम के लिए इस अमृत काल में ये धर्म की राजनीति, हर इलेक्शन के पहले इसको बंद करिए, ये जहर देश में मत घोलिए। आज हम यहाँ चर्चा बातें करें बेरोजगारी की, बातें करें गरीबी की, महंगाई की, इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए हम ये सब काम ना करें। सर मैंने दोनों पक्षों को सुना, आज मुझे इतनी हैरानी हो रही थी, काश बीच में आपने मुझे बोलने का समय दिया। यहाँ पे बोले राहुल जी, बहुत उनके दिल में दर्द था, यात्रा करी है उन्होंने यहाँ से वहां तक, भारत माता के कातिल इन्हों को बताया, इनके देश के भारत माता के हथियार बताया, केरोसिन की बात करी। अरे भैया सारा देश इन्होंने घूम लिया, काश यहाँ पे आप जाके विधवा कॉलोनी में घूम लेते, जहाँ 1984 में आपने सिखों के ऊपर केरोसिन से गले में टायर से साड़ साड़ के वो औरतों को विधवा किया, और हजारों लाखों औरतों को विधवा करने के बाद वो हथियार सज्जन कुमार के घर के पास आपने विधवा कॉलोनी बसाई। सर आपको मालूम है पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह में विधवा कॉलोनी है, विडो कॉलोनी सिर्फ दिल्ली में है। कौन रहती हैं? जिनके कातिल इनके पुरखों ने किया, इस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया, और फिर उधर जाके उन औरतों को बसाया। क्या यात्रा वहां से गुजर के गई? आज केरोसिन की बात करते हैं, लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि आज इनको 84 बड़ा याद आ रहा था। यहाँ के बोलने वाले भी जब इनको कटाक्ष करना होता है तभी 84 याद आता है। अरे भैया 9 सालों में 84 को इंसाफ देने के क्यों नहीं अंदर ठोसा इनको? आज तक क्या 84? आप कितनी बारी विधवा कॉलोनी गए हैं? हकीकत ये है, दुख इस बात का है कि जब मणिपुर की बात होती है तो वो राजस्थान की बात करते हैं, वो राजस्थान की बात सुन के तो फिर दोनों रल मिल के 84 की बात करते हैं। ये बहुत हो चुका सर, अब दोनों जने ये सारा ड्रामा, ये सारा नाटक बंद करें। हमारे सिख कौम के साथ हम पूछना चाहते हैं, हम किस पे कॉन्फिडेंस करें? इन्होंने जो किया आपके सामने, हमारे कत्लेआम करें, हमारे धार्मिक
संस्थापक अकालतख्त साहब गोल्डन टेंपल को टैंक से आर्मी से बिल्कुल टेटेरी करके खत्म कर दिया, हमारे पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके पंजाबी स्पीकिंग एरिया निकाल के दूसरी स्टेट बना दी, हमारी राजधानी हमसे खोली, हमारा पानी हमसे खो लिया। कौन सा अच्छा अच्छा इन्होंने नहीं किया है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, ये कौन से कोई काम है। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि जो सिखों ने 1947 में देश का साथ दिया, देश की आजादी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां हमने दी, हर एक अल्पसंख्यक ने दी, क्योंकि सब माइनॉरिटीज ने देश की आजादी में योगदान दिया, लेकिन मुझे मान है हमारे सिखों ने सबसे बड़ी जो फांसी की आप लिस्ट में गिन लीजिए, काला पानी में देख लिए, सबसे ज्यादा हमारे पंजाब के जिन्होंने इस देश को आजाद किया। और आजादी के बाद ये देश 1966 में जब खाने को अन्न पूरा नहीं होता था, द कंट्री वॉज लुकिंग एट स्टार्वेशन, हमारे किसान है जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाके उन्होंने इस देश का पेट भरने का काम किया। लेकिन सर जब हमारे सिखों के कतलेआम में उस टाइम तो कोई जुडिशरी नहीं बोली, कोई पार्टी नहीं बोली, कोई पेपर नहीं बोला। आप निकालिए नवंबर 84 के बाद जब बजट सेशन हुआ 85 का, तो उसमें एक भी मेंशन नहीं, जो इस दिल्ली में हजारों सिख के कतलेआम हुए सब चुपड़ा के बैठे हुए थे, मुंह पे टेप लगी हुई थी, किसी ने सिखों की बात तक नहीं करी। और यही कारण है कि आज तक सिखों को इंसाफ नहीं मिला, और कभी मणिपुर होता है, कभी नूह होता है, कभी राजस्थान होता है, जो उस टाइम एक्शन ले लिया होता, जम्मू कश्मीर गुजरात सब कुछ होता है। तो सर जो सिखों के गुरु ने, नौवे गुरु ने, हमारे नाइन्थ गुरु ने अपनी कुर्बानी दी, कश्मीर के पंडितों की बात हुई, अफसोस कि उस टाइम की माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी को बचाने के लिए, उस टाइम की मुस्लिम मेजॉरिटी से बचाने के लिए हमारे सिख गुरु ने अपनी कुर्बानी दी, और हिंद की चादर का खिताब उनको मिला, लेकिन उसकी तो बात तक नहीं करी। जब उनके लोगों को मारा जा रहा था तब भी बात नहीं करी। तो सर मैं पूछना चाहती हूँ, उस टाइम हमारे लोग जो भावुक होके उन्होंने कुछ अपने हाथों में इसके खिलाफ आवाज उठाई, उनको जेलों में फेंक दिया, हमारे बंदी से 30-30 साल से जेल में सड़ रहे हैं, गुरु साहब के 550 साल, गुरु नानक देव जी के, इन्होंने रिटर्न इस सरकार ने कहा था कि उनको छोड़ा जाएगा, तो क्यों आज तक नहीं छोड़ा है, मैं इनसे जवाब मांगना चाहती हूँ। तो सिखों के खिलाफ हमेशा ये बेइंसाफी रही है सर, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी उनके साथ ये होता है। सब पंजाब में इन्होंने जो किया बताया, ये क्या कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, जब से अकाली दल से गठबंधन टूटा है, हमारी राजधानी, आप सोचिए राजधानी हमारी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक एक्ट पास हुआ, उठा के आप विधानसभा उधर हरियाणा को बना के चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जमीन दे दी, हमारा पानी, हमारा मेंबर जो बीबीएमजी से था उसको निकाल के बाहर निकाले, हमारा पानी चुरा के दूसरे राज्यों में, जय हिमाचल पानी दिल्ली को देता है वो सेस लेता है, हमारा पानी जो राजस्थान रहता है तो पंजाब को कोई सेस नहीं, एक ही चीज तो हमारी है, चंडीगढ़ के ऊपर हमारा हक, सेंट्रल सर्विस रूल्स डाले जा रहे हैं। और सर हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी को भी आरएसएस का कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और पानियों का तो यो मामला है, पानी हमारा चुरा के ले गए, लेकिन आज जब सारा पंजाब पानी में डूबा हुआ है तो उस पंजाब के हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं है। आपको हैरानी होगी सर कि जब पंजाब, जब हिंदुस्तान में कोई आपदा होती है, जब कोविड हुआ तो यहाँ लंगर सिखों ने लगाया, जब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ लंगर सिखों ने लगाया, जब कोविड हुआ आप दोनों से किसी से ऑक्सीजन पूरा नहीं होता, लंगर हमने लगाए, और आज जब पंजाब को जरूरत है, कहीं आपदा हो जाए उत्तराखंड में हो हम लोग जाते हैं, लेकिन आपने क्या किया हमारे किसानों के साथ सर, पहले सर 2 मिनट सर, हमारे किसानों के साथ क्या किया सर, जो किसानों ने सबसे पहले इस देश पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाके इस देश का पेट भरने का, आप तो कह रहे हैं इन्होंने, लेकिन 70 साल से तो हम पेट भर रहे हैं, उनके ऊपर आप काले कानून लेके आए, अपने मंत्री की, अपनी आलाय की बात नहीं पूछी, सुना नहीं, और जब बोलते थे मत लाओ किसानों नहीं सुना, और अखीर में मानना पड़ा, किसानों ने मजबूर किया कि गलत बिल थे आपको वापस लेना पड़ा। और फिर ये डबल इनकम को क्या करना, डबल डिस्ट्रेस, आज बता दीजिए कौन से राज्य में डबल हो गया इनकम, पेट्रोल डीजल फर्टिलाइजर हर चीज में महंगाई की मार सब झेल रहे हैं, कभी हमारे बच्चों पे, नौजवानों पे ऐसे लगा के उनको आसाम की जेलों में फेंक देते हैं, कभी हमारा कोई भी चीज हो वहाँ पे हमारे किसान जो आंदोलन में थे एनआईए लगा देते हैं, कभी खालसा एक जो मदद करता है जहाँ उनके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट 2 सेकंड सर, अखीर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी सर, मानस की जात सब एक को पहचान बो, मानस की एक ही जात होती है, एक पिता एकस के हम बारे की हमारे गुरबानी में सिखाया है,
ये सरदार प्रकाश सिंह बादल 5 बारी मुख्यमंत्री रहे, एक दिन फिर को हिंसा नहीं हुई। चाहे पंजाब का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उनको अपना समझता था, क्योंकि मुख्यमंत्री होके वो हर एक का स्पेशल दिन खुद बनाते थे, हर एक के धार्मिक स्थान पर भगवान वाल्मीकि, गुरु रविदास होए, दुर्गाना मंदिर होए, हर एक का उन्होंने सत्कार और आदर किया। और यही कारण है सर कि उस समय 1990 में जब वाजपेयी जी की भाजपा की सरकार को यो हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि इनको फनेटिक समझते थे, सबसे पहले सरदार बादल थे जिन्होंने इनका हाथ थामा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिना गावित जी। सर लास्ट पॉइंट, 2 सेकंड, आज मैं उनको यही बेनती करूंगी सर कि ये नफरत की राजनीति ये छोड़ दें, ये मलहम लगाने का काम करें, चाहे सिख हो चाहे दूसरे धर्म के लोग हो, क्योंकि हर एक का अपना हिस्सा है इसमें। और इस शेर से मैं एंड करूंगी, लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शाह प्रसन्न बोले, हजूर का शौक सलामत रहे, अभी तो शहर बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।